नमस्कार, अतुल्य संसार आपकी खबरों का संसार। जनाना ग्राम विकास समिति ने किया स्वच्छकारों का स्वागत। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते जहां पूरा विश्व लॉकडाउन में चल रहा था, वहीं सफाई कर्मचारी अपनी सफाई का ध्यान रखते हुए अपने परिवार की चिंता किए बगैर सफाई कार्य में लगे हुए थे। सफाई कर्मचारी सफाई में लगे हुए ये चाह रहे थे कि ये महामारी ज़्यादा ना फैले। इन सफाई कर्मियों का कार्य देख झालाना ग्राम विकास समिति ने आज इनका किया स्वागत। झालाना ग्राम विकास समिति द्वारा आज दुर्गा मंदिर के पास इनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं झालाना ग्राम विकास समिति के पदाधिकारी इन लोगों के ऊपर फूल बरसाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। गुलाब के फूल की पत्तियां इनके चरणों में सदा गिरती रहे। कोरोना महामारी से बचाने के लिए योद्धा यूं ही संकल्प सेवा भाव से लड़ता रहे। आप देखिए विकास समिति के पदाधिकारी इन सफाई कर्मचारियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत। आप जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों से भी आपके पास समाचार आ रहे होंगे कि सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया जा रहा। जहां सफाई कर्मचारियों को पहले धुतकारा जाता था, कुछ भी बोल दिया जाता था, आज पूरे जयपुर के अलग अलग क्षेत्र से विकास समितियों द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। इनको सम्मान दिया जा रहा है, इनको प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं, इनको साफे पहनाकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये एक नई पहल है झालाना ग्राम में, एक ये नई पहल है जो विकास समितियों द्वारा इन सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को शॉल के साथ, गमछे के साथ और महिला कर्मचारियों को साड़ी देकर सम्मानित कर रहे हैं, और साथ ही इन सभी कर्मचारियों को सेवा सम्मान, संकल्प सेवा सम्मान के साथ सम्मानित कर जोरदार तालियों के साथ हमारे ये कोरोना वायरस के योद्धा हैं, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि विकास समिति ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के हिसाब से कम सदस्यों को यहाँ पे आमंत्रित किया था और सभी सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए बोला गया था, लेकिन फिर भी आसपास के लोग तालियों की गड़गड़ाहट बजाने के लिए, तालियां बजाने के लिए बिना बताए यहाँ आ गए। वैसे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बहुत कम हुई है, लेकिन ये देखने के लिए, इन लोगों का सम्मान देखने के लिए, इन लोगों को सम्मान देने के लिए ये लोग सामाजिक दूरी को भूल गए। और आप देख रहे हैं ये विकास समिति के सभी सदस्य और आसपास के जो लोग इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। साथ ही विकास समिति ने सेवा संकल्प सम्मान के साथ सम्मानित किया। जितने भी वार्ड में सफाई कर्मचारी थे उनको सेवा संकल्प सम्मान के साथ सम्मानित किया, सबको प्रशस्ति पत्र दिए गए। जब इन सफाई कर्मचारियों का सम्मान हुआ, सम्मान के बाद जब हम इनके सफाई इंचार्ज से मिले तो उन्होंने क्या कहा? सर, मेरा नाम रामचरण है, मैं वार्ड 54 से स्वास्थ्य निरीक्षक पत्रकार कर रहा हूँ। मेरे बाएं तरफ जो नगर निगम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हमारा उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद इनको। कैसा लग रहा है आपका सम्मान? बहुत अच्छा लगा, और कर्मचारियों को सम्मानित चाहता हूँ। कैसे अगर आपके कमरे में और ज्यादा बढ़ेगी। रामचंद्र जी, मैं आप कह रहे थे कब से देख रहे हैं इसका वार्ड 54 का आप काम? मैं लगभग 2.5 साल से इस वार्ड के अंदर। इस संबंध में जब बात की गई तो भावुक होकर सफाई इंचार्ज रामचंद्र जी ने कहा कि सम्मान अभी हर जगह हमारा सम्मान हो रहा है,
हमें बहुत खुशी मिल रही है। हम भी पूरे जोश के साथ अपने परिवार की चिंता किए बगैर ये कार्य करते हैं, क्योंकि ये कोरोना महामारी है। इस महामारी में सरकार की सख्त आदेश है कि सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी ही जुड़े हुए रहते हैं जनता से सीधे, इसलिए सफाई कर्मचारियों पर इस तरह का पूरा ध्यान रखने का सख्त आदेश है। समिति अध्यक्ष से सफाई कर्मचारियों के किए सम्मान के बारे में पूछा गया कि भाई आपको इन सफाई कर्मचारियों के सम्मान की प्रेरणा कहाँ से मिली, आप इन लोगों का सम्मान क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया वार्ड चौवन में जो रूट के कर्मचारी लगे हुए हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत मतलब सतर्कता और समझदारी से काम करते हैं। जब भी हम कहते हैं सारा काम तुरंत टाइम टू टाइम होता है। बहुत इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में सर आपको किसने प्रेरणा दी इस सम्मान करने के लिए इन लोगों? सब ये कोई प्रेरणा वाली बात है क्या? हमारे मन में ही जागृति आई है कि कुछ उनका सम्मान करेंगे तो ये अपने यहाँ नहीं। फिर भी सर कोई आपके मन में विचार आए होंगे या फिर समिति के सदस्य ने? रोज मीडिया में इनमें देखते हैं सर, ये आपकी न्यूज़ें चलती है, इनमें देखते हैं सम्मान सब कर रहे हैं, तो हमारा भी मन कहा है कि हम भी सम्मान करें। सर झालाना ग्राम में इनके लोगों के द्वारा सफाई टाइम पे हो रही है क्या? बिल्कुल सर टाइम पे हो रही है। आपकी जो समिति के सदस्य हैं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कम हो रही है, आप देख रहे हैं? ये सब बार बार कहने के बाहर भी जाते हैं करेंगे अरे जी तो बोलो यार। बाकी सर झालाना ग्राम में कोई सफाई की समस्या थोड़ी हो रही है अपनी? जो आज जो आपने सम्मान किया, जो प्रशस्ति पत्र दिए है सर, इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? इनको जागरूक करना, समय पे काम करवाना और इनका हौसला उपजाई करना, ये लोग झालाना में अपना अच्छा काम करे, अच्छा योगदान दे। चलो ठीक है, अब बताएं सर आप। सर ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, जो अपनी जान और मान की चिंता करे बगैर हमारे क्षेत्र को जो साफ सफाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसी के संदर्भ में झालाना विकास समिति और भाजपा ने मिलकर ये कार्य किया है, जिसमें इन लोगों का सम्मान हो सके, इनकी हौसला अफजाई हो सके, आगे के लिए भविष्य में भी ये लोग झालाना को साफ स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सर ये भाजपा की तरफ से प्रोग्राम किया है या ग्राम झालाना विकास समिति के? ग्राम झालाना विकास समिति और जो यहाँ के बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता, बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता और झालाना समिति के तत्वाधान में। तत्वाधान में क्या गया? सर यहाँ आपके जो एरिया में जो लोग रह रहे हैं और भी लोग रह रहे हैं, यहाँ अभी पॉजिटिव आया था आपके क्षेत्र में, पॉजिटिव आया था, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर वो वहाँ कर्फ्यू लगाया हुआ पुलिस के द्वारा, दो बार सरकार के द्वारा वहाँ सैनिटाइजर करवाया गया है। बार बार कहने पे जब उन लोगों की शिकायत की सरकार से, विधायक जी से हमारे से, तब जाके उन लोगों की वो 20-25 लोगों की यहाँ पे जांच हुई है। अब वो पूरा परिवार क्वारंटाइन है और भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि दूसरा कोई यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मिला। आप झालाना में कोई पॉजिटिव थोड़ी है? नहीं सर, उस एक परिवार के अलावा कोई नहीं। कोई नहीं है सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप झालाना विकास समिति के किस पोस्ट पर कार्यरत हैं? मैं सचिव के पद पर हूँ। सर झालाना ग्राम में जो पॉजिटिव आया, मैंने सुना आपकी स्कूल चली उसके पास में है पॉजिटिव जो है? मेरे स्कूल के पास में है, इसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं आया। आपके स्कूल में सैनिटाइज वगैरह किया गया इसके बाद? स्कूल में सैनिटाइज कर दिया गया, करवा दिया गया, 2-3 बार हो गया। सर और जो झालाना विकास समिति ने आज जो इन लोगों का सम्मान किया है, उसमें आपका क्या योगदान था? उसमें पूरी रूपरेखा, सारी व्यवस्था किस तरह से कार्यक्रम को करना है बैठ करके और पूरी रूपरेखा तय की गई। सर झालाना ग्राम बहुत पुराना गांव है जी, इसमें जो कच्ची बस्ती क्षेत्र है, इसमें बस्ती की सफाई की ज्यादा प्रॉब्लम आती रहती कई बार। आज इन लोगों का आप सम्मान कर रहे हैं लेकिन सफाई की समस्या फिर भी रहती है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सफाई की समस्या इसलिए रहती है कि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जो लोग ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, फिर भी ये लोग बहुत अच्छी तरह से जितने इनके पास उपलब्ध संसाधन है उसके अनुसार ये अच्छी तरह से सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसे ही इनको सूचना दी मिल जाती है उसके उसी दिन या दूसरे दिन पूरी कोशिश करते हैं उस समस्या का निदान करने। सर ये झालाना ग्राम विकास समिति की तरफ से प्रोग्राम है या बीजेपी की तरफ से? संयुक्त प्रोग्राम हो गया एक तरह से, संयुक्त प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम हो गया, क्योंकि कुछ पदाधिकारी हैं इसमें बीजेपी के और कुछ विकास समिति के पदाधिकारी। विकास समिति ने जो इनका सम्मान किया उससे सभी सफाई कर्मचारी अभिभूत थे, खुश थे। हम यही चाहते हैं कि आप भी अपने इन वॉरियरों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अतुल्य संसार आपकी खबरों का संसार, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब